अरे गांव की नदी के अंदर बहुत बड़ा सैलाब आया है। ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना है भाई, रोना नहीं है, प्लीज नहीं रो यार, बस बस करो, बस आपका ये फर्ज बनता है, ये भी तो लोग हैं, इंसान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूं बिलाल मुस्तफ़ा, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे नई ब्लॉग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। देखें, हम जा रहे हैं दरिया पर, दरिया ने वो सामने से कट लगाया हुआ है, ये जो बंदा जा रहा है इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़मीन ये दरिया आज बहा कर ले गया है। बंदा अभी रो रहा था अल्लाह ने आपसे ज़मीन ली है ना, तो अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दोबारा ज़मीन देगा, ठीक है ना। देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है, ठीक है ना। अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह इंशाअल्लाह आपको दोबारा देगा, जिसने पहले दिया। बस नहीं रोना, रोना नहीं है, प्लीज़ नहीं रो यार, बस बस करो, बस बस अल्लाह इंशाअल्लाह, अगर आपकी ज़मीन अल्लाह ने ले ली है तो अल्लाह ही दोबारा देने वाला है, बस चुप, बस 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 बस, रोना नहीं है, अच्छा ठीक है ना। सब्र करने, अल्लाह पर यकीन रखने, अल्लाह इंशाअल्लाह आपको दोबारा आपकी ज़मीन वापस देगा, ठीक है ना। ये नुकसान और ये फ़ायदे, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है, रोना नहीं है आपने, बस 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 खामोश हो जाओ यार। अल्लाह अकबर जी, ये देखें जा रही है लकड़ी, बारिश बहुत ज़्यादा है, वो उधर सामने दो बंदे भी खड़े हैं, शायद लकड़ियाँ पकड़ने के लिए ही आए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा है तो लोगों ने अपने ऊपर छापर लिए हुए हैं। देखें इधर कितना खौफनाक दरिया है, देखें मुझे खौफ आ रहा है, इसके रंग से खौफ आ रहा है। और इधर ये देखें, ये लकड़ियाँ पकड़ने वाला हथियार पड़ा हुआ है और ये पीछे से रस्सी के साथ बांधा हुआ है। जो ही लकड़ी आती है तो ये जो पीछे बंदे खड़े हैं ये एकदम में आकर लकड़ी को पकड़ते हैं, अगर बड़ी लकड़ी हुई तो फिर उसको हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वो खुद इन्हें दरिया में साथ बहा कर ले जाती है। लकड़ी आ गई है, लकड़ी आओ जी, ये बंदा आ गया, देखें जी हथियार ले लिया हाथ में, लकड़ी आ गई अब। ओए होए होए होए, ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना है भाई। ये क्या डूब गई है, डूब गई है कहीं, ओ ये हाथ से निकल गई यार, ये हाथ से निकल गई लकड़ी। वेलकम बैक टू व्लॉग। तो हम दरिया पर से वापस आ गए थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ लग गई थी, मेरे सारे के सारे कपड़े भीग गए थे और मेरे मोबाइल के स्पीकर में पानी भी बहुत ज़्यादा पड़ गया था, तो इस वजह से हमें वापस आना पड़ा। मेरे आने के बाद दरिया बहुत तेज़ आया, बहुत ज़्यादा आया और लकड़ियाँ भी लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा आई हैं। तो मेरे होते हुए उधर जो कुछ सीन थे मैंने आपको दिखा दिया, हमारे गाँव में लोगों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ, ज़मीनें भी गई और साथ में जो है ना लोगों के घर बार सब तबाह हो गए। खासकर एक बंदे का जो मैंने वीडियो के अंदर आपको दिखाया, उनकी आधी ज़मीन जो है ना वो दरिया के अंदर बह गई। तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे हादसात से, अल्लाह ऐसे अज़ाब से हमेशा सबको बचाए। तो चलें, मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो के अंदर, नई व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।